नमस्कार, मैं हूं दिवांजलि मोइत्रा। भारत में कोविड 19 को लेकर मुस्लिम धर्म को मानने वालों का सोशल मीडिया पर काफी प्रचार किया गया, जिसके बाद मुस्लिम देशों के संगठन OIC द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर चिंता जताई। दुबई की प्रिंसेस ने तो कई सारे ट्वीट के जरिए सवाल खड़े कर दिए और लोगों को नियम भी बताया। इतना ही नहीं, UAE में जॉब कर रहे कुछ लोगों पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन पर फाइन भी लगा दिया और कुछ लोगों की नौकरी भी चली गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है। 30 करोड़ हिंदुस्तानियों के हितों की बात करते हैं। 130 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी और उनकी जिंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए बात करते हैं। अगर ये किसी को नहीं दिख रहा है तो ये उनकी अपनी समस्या है। हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक, हिंदुस्तान के समाज का सभी वर्ग खुश है और वो उस खुशहाली के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहा है। और जो लोग इस तरह के माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किसी भी तौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। नकवी ने ये टिप्पणी उस वक्त की है जब OIC ने गत रविवार को भारत से अनुरोध किया था कि वो अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा करने और देश में इस्लामोफोबिया, इस्लाम धर्म के प्रति पूर्वाग्रह की घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। नकवी के मुताबिक संकट के समय में भी कुछ लोग दुष्प्रचार और फर्जी खबरों के माध्यम से देश की ताकत को कमजोर करने की साजिश में लगे हुए हैं। नकवी ने आगे कहा कि रमजान में सभी मुस्लिम घर पर रहकर नमाज अदा करें। 24 अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के सभी धर्मगुरु, उलमा, धार्मिक संगठन, सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के देश निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमज़ान के इस पवित्र महीने में हम इबादत, इफ्तार, तरावी या और भी जो रमज़ान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं, उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करें। दरअसल ट्विटर पर कुछ लोग लगातार मुस्लिमों के खिलाफ दुबई में लिख रहे थे, जिसके बाद दुबई प्रिंसेस ने इस मामले को आड़े हाथ लिया और दुबई प्रशासन भी सख्त कदम उठा रही। ऐसे में भारत की तरफ से पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया और अब केंद्रीय मंत्री नकवी को खुद आकर बोलना पड़ा। ये बताता है कि भारत पर फिलहाल कितना दबाव है।